दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डायनामिक न्यूज़ पे, और मैं हूं आपका दोस्त इरशाद। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करें अगर वेब सीरीज़ की, तो आपने सीक्रेट गेम मिर्ज़ापुर जैसी मशहूर वेब सीरीज़ का नाम तो सुना ही होगा, परंतु अब उनको भी पछाड़ते हुए इसी सिलसिले में एक और वेब सीरीज़ रिलीज हुई है जिसका नाम है पाताल लोक, जो मर्डर, थ्रिलर, मिस्ट्री और सस्पेंस सीरीज से भरी हुई है। इन सब टाइप्स के सस्पेंस आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। आजकल काफ़ी सारे रहस्य से इस सीरीज़ के अंदर पर्दा उठेगा, तो सबसे पहले इस बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में तीन लोक बताए गए हैं, स्वर्ग लोक, जमीन लोक, पाताल लोक। अब उनमें से हम किस लोक के हैं वो तो हमें इस सीरीज़ को देखने में पता लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वेब सीरीज़ आपको अमेज़न प्राइम पर देखने को मिल सकती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह शो 18 प्लस है, जिसमें खूब मारकूट दिखाई गई है। अब अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं तो केवल अकेले में ही देखें, नहीं तो बाद में मुँह टमाटर जैसा हो जाएगा सबके सामने। दूसरी बात, अब इस शो की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि यह एक मर्डर के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। स्वर्ग लोक क्या है तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ग लोक एक शान शौकत की ज़िंदगी, या यूं कहें एक अमीर जीवन को बिताने को कहा गया। इस लोक से वास्ता रखने वाले एक न्यूज चैनल के, ये एक नहीं तीन दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्ग लोक जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहे। जो सबूत मिटा रहा है, त्यागी का चित्रकूट के साथ कनेक्शन, ग्वाला भाई, मास्टर जी, इनका कोई ना कोई कनेक्शन है सर। सीबीआई हमसे केस ट्रांसफर कर रहा है, थैंक्स टू योर फकर। स्वर्ग लोक क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ, स्वर्ग लोक एक शान शौकत की जिंदगी, या यूं कहें एक अमीर जीवन को बताया गया। किसी लोग से वास्ता रखने वाले एक न्यूज़ चैनल के एक एंकर संजीव मेहरा, जो इस मर्डर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और इसी कहानी का वो शिकार बनने वाले हैं, इन्हें आप भगवान मान सकते हैं, जो पूरे देश में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, और उनको इन्हीं वजहों से रोज़ाना उनके सोशल प्लेटफॉर्म पर रोज़ाना जान से मारने की धमकी मिलती रहती है। प्लानिंग का एक्शन चार अजीबोगरीब लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, और इस लोगों के पास काफ़ी कुछ ऐसा हुआ छिपा रहता है जिससे वो पाताल लोक के कीड़े बनने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर एक, तोप सिंह कम एक अतरंगी लड़का जिसने तीन लोगों का खून अपने चाकू से कर दिया और दिल्ली में रहकर अब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। नंबर दो, कबीर सिंह जो अपने आप को हिंदू बताता है परंतु उसके नाम के पीछे लगा एम किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। नंबर तीन, मैरी जो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए लगी हुई है, बाकी तीनों से किसी भी प्रकार का कनेक्शन होने से वो साफ मना कर देती है। और नंबर चार, जो सबसे खतरनाक इस सीरीज़ में है, जिसका नाम है विशाल त्यागी, जो यूपी पुलिस की हिच लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम है, और इसका सबसे फेवरेट हथियार जो है वो हथौड़ा है, जिससे यह अब तक तकरीबन 45 लोगों को मार चुका है। अब संजीव मेहरा और इन चारों की प्लानिंग के बीच में खड़ा है धरती लोक से एक पुलिसकर्मी हाथीराम सिंह, जो इस केस को जल्दी सॉल्व कर डिपार्टमेंट में एक अच्छी इज्जत बनाना चाहता है और प्रमोशन की दौड़ में लगा हुआ है। कहानी में बदलाव तब आता है जब हाथीराम के हाथ की ऐसी फाइल लग जाती है जो केस को, देश को चलाने वाले बड़े बड़े कुछ बिजनेसमैन लोगों और कुछ ताकतवर नेताओं से जोड़ देती है, जो बड़ी ही चालाकी से हाथीराम को इस केस से निकालकर और सीबीआई के हाथ में इस केस को सौंप देते हैं, जो लोगों के सामने मनगढ़ंत कहानी बनाकर गवर्नमेंट को पब्लिक के सामने हीरो बना देते हैं। अब हाथीराम सिस्टम और सरकार के खिलाफ जाकर अंडरकवर इसकी पड़ताल शुरू कर देता है, जो बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन से पंगा ले लेता है। अब क्या इसका फ़र्क जो है, क्या इसका प्रभाव उसकी लाइफ पे पड़ने वाला है, वो तो आपको जानने के लिए वेब सीरीज ही देखनी पड़ेगी। तो क्या पाताल लोक के कीड़े हकीकत में उतने ही घिनौने साबित होंगे जितना कि उनको बताया गया है, या फिर लोगों के दिमाग के साथ साथ खेल खेला जा रहा है, और इन कीड़ों का उपयोग सिर्फ सरकार का नाम चमकाने के लिए तो नहीं किया जा रहा।
सबसे बड़ा सवाल खड़ा यहाँ होता है कि आखिर संजीव मेहरा को मारने की मास्टर प्लानिंग कर कौन रहा है? कोई पॉलिटिशियन, कोई टेररिस्ट, कोई बिजनेसमैन, या सबसे ज़्यादा फायदा इससे किसको होने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब देने का काम करती है वेब सीरीज पाताल लोक। स्टोरी की खास बात छिपी हुई है कि स्टोरी पाताल लोक के कीड़ों से लेकर धरती लोक और स्वर्ग लोक में बैठे और भगवान लोग को आपस में जोड़ने का काम करती है। हाथीराम का पास्ट, संजीव मेहरा का प्रेजेंट और सबसे दमदार उन चार कीड़ों के किस्से जिन्हें पाताल लोक से अरेस्ट किया गया। अब पाताल लोक क्या है वो तो आपको सीरीज में देखने भी पता लगेगा। इन चारों की कहानी की मदद से ही सीरीज में सस्पेंस और मिस्ट्री का बेहतरीन खेल खेला गया और बिना किसी डर के कुछ कंट्रोवर्सी टॉपिक को भी खुलकर सामने रखा गया, जिसके बारे में हम असल ज़िंदगी दुनिया में बात करने से भी डरते हैं। हिंदू मुस्लिम का इस्तेमाल कर लोगों को किस तरह बांट दिया जाता और पॉलिटिशियन उनके नाम पर किस तरह उनको चूना लगा देते हैं, तो इसी तरह की जो सीरीज़ में कुछ कंट्रोवर्सी टॉपिक्स वो दिखाए गए हैं। और पूरा क्या कुछ हुआ वेब सीरीज़ में देखने के लिए आपको वेब सीरीज़ को देखना ही पड़ेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, और इस प्रकार के मोर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। धन्यवाद।